साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भारत के संविधान की कापी जलाए थे, जो भारत के संविधान के निर्माता के खिलाफ अपशब्द बोले थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारे घर की बहन बेटियों के साथ जुल्म और अत्याचार होगा, वही भारत का संविधान काम आएगा, वो लौट नहीं आएगा। भारत का संविधान कहता है, तुम्हारी हर एक तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूं, तुम्हारी हर एक तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त पड़े तो मुझको पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। साथियों, आज जरूरत है कि जन जन तक बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को पहुंचाना है और भारतीय संविधान को पहुंचाना है। संविधान में दिए गए प्रदत्त मूल अधिकार है, भारत के हर एक नागरिकों तक हम सबका दायित्व है
कि मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तक हम सब लोग पहुंचाने के कार्य करें। साथियों भाई कन्हैया है यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं, हमें पता चला, हमने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच आपके साथ है, आप कोचिंग चलाइए, पूरा संगठन आपके साथ है। हम भाई कन्हैया कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह का एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया था तो वो बहुत खुश थे, वो सोच रहे थे आज हमने वो ताकत दे दी है, हमने वो ताकत दी है अपने लोगों को कि जब पहले राजा रानी के पेट से हुआ करता था, आज हमने वो ताकत दे दिया है जब राजा रानी के पेट से नहीं होगा अब राजा बालक बाप से पैदा होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। साथियों बिखरा हुआ घर, बिखरा हुआ परिवार, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, वो सिर्फ दूसरे को शासक बना सकता है। साथियों अगर आपको हुकूमत करनी है, अगर आपको एक मजबूत आवाज बननी है, आप लोगों संगठित होना पड़ेगा। सर पासवान है, मैं एडवोकेट हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच छात्र और अधिवक्ता मोर्चा का संयोजक हूँ। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसका कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भवन नाथ पासवान जी हैं, हम सब लोग मिल करके बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए तत्पर हैं और समाज में जो भी दबे कुचले शोषित वर्ग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, गरीब मजलूम किसानों के साथ, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को मजबूत कर हम उस उत्पीड़नों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो वर्तमान सरकार है वो दलितों के पक्ष में कितना खुलकर आ पाई है और कितना हित किया है, क्या लगता है? वर्तमान सरकार में कुछ भी दलितों के हित में नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार में ही पिछले साल आप जानते हैं कि संसद भवन के बगल में तथाकथित लोग भारत के संविधान की प्रतियां जलाए थे और संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपशब्द बोले थे। इस सरकार से कुछ भी उम्मीद नहीं है। किसान आप देख रहे हैं सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, मनमानी कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि जिसे ये सरकार डिडोरा पीड़ती है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन आदि के बारे में कि गरीबों के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, सबका साथ सबका विकास, इसके अतिरिक्त ये कहती है एक दलित को मैंने राष्ट्रपति बनाया, किस आधार पे आप कह सकते हैं, क्या आधार है? सरकार ने उनको राष्ट्रपति बना, दलित राष्ट्रपति बन जाने से समाज और देश का भला नहीं हो पाएगा। अगर देश का और समाज का भला होगा, भारत का जो संविधान है भारत के अंदर सही तरीके से लागू हो, जिस दिन भारत का संविधान भारत के अंदर सही तरीके से लागू हो जाएगा, भारत का एक भी व्यक्ति गरीब वंचित नहीं रह जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच निरंतर यह प्रयासरत है, हमेशा आवाज़ उठाता है कि भारत के संविधान को भारत के अंदर सही तरीके से लागू किया जाए। तो क्या इस साल आप चुनाव में भाग लेंगे, क्या लगा? अभी चुनाव उनाव का ऐसा कुछ विचार नहीं है, हम सिर्फ संगठन को मजबूत कर रहे हैं, गाँव जा करके छात्र किसान नौजवानों को जोड़ रहे हैं और मजबूत कर हम समाज में व्याप्त जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, संगठन आवाज़ उठाएगा, अभी यही संगठन का उद्देश्य है। क्या मैसेज है जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चले और भारतीय संविधान के रास्तों पर चले, तभी देश और समाज का कल्याण हो पाएगा, क्योंकि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को लाभान्वित करता है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और है, आपने किसानों की बात की, जैसा कि मेरा एक कछार एरिया, मैं गांव का निवासी हूँ, गुरुजी ने आपको बताया पहले, तो किसानों की सबसे मूल समस्या क्या है, ये जो आवारा पशु हैं, नीलगायें हैं, तो इससे निजात दिलाने में आप जनता की किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो सरकार उस पर रोक लगाए, ये सरकार का दायित्व है, भारत का जो प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी, जो वर्तमान में सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग कर रहे हैं, हवा हवाई भाषण दे रहे हैं,
उससे होने वाला है क्या? कुछ कुछ नहीं होगा। जमीन पर इन्होंने कुछ नहीं किया अभी? जमीन पे कुछ नहीं किया है। जमीन पे अगर करना है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सिर्फ भारत के संविधान को भारत के अंदर सही तरीके से लागू करा दें। जिस दिन भारत के संविधान को भारत के अंदर सही तरीके से लागू हो जाएगा, उस दिन भारत का कल्याण हो जाएगा। अभी अयोध्या में जो है एक महंत है, परमादास नाम है उनका शायद, उनका कहना है कि जो है यह देश जो है हिंदू राष्ट्र बनना होना चाहिए, हिंदू यहाँ स्थापित होना चाहिए। क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का जब संविधान है वो सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है। कोई एक धर्म के नाम पर ये देश नहीं बनना चाहिए। जिस दिन एक धर्म के नाम पर ये देश बन जाएगा, उस दिन इसकी हालात अन्य देशों की तरह हो जाएगी। तो संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता थी, उन्होंने सारे धर्मों को समान रूप से दिया। संविधान के अनुच्छेद 15 में बाबा साहब ने व्यवस्थित कराया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव जन्म स्थान धर्म जाति लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष ये देश है हमारा।